आयुक्त जो बैठे हुए हैं उनको इस चीज को समझ के लेना चाहिए। आयुक्त ने एक भी बार अभी तक मिलने का समय तक नहीं दिया है। किस काम के ऐसे आयुक्त जो आम जनता से मिलने के लिए तैयार नहीं हो? उनको अपनी कुर्सी नहीं छोड़ देनी चाहिए? जब उनके पास कोई सब्जेक्ट लेके जाता है तो बोलते विभागीय हेड है उनसे मिलो। अरे आपको क्यों बिठाया उधर? रिजाइन दे दो, छोड़ दो, चले जाओ। मेरा सिर्फ विनायक अस्पताल को ही लेकर यह मसला नहीं है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें कई अस्पताल है। वसई का कार्डिनल हॉस्पिटल है, उसने भी एक पत्र दिया है। वो पत्र मेरे पास अभी नहीं आया, लेकिन मुझे जानकारी में आया कि महानगर पालिका को एक पत्र लिखा है कि इस साल हमको 5 करोड़ का लॉस हो गया है, इसके लिए हम 6 महीना बाद में भी लोगों को रिफंड देंगे। मतलब क्या ये अस्पताल जो है बेवकूफी भरा जवाब देके पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, महानगर पालिका को गुमराह कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक बड़ा मुद्दा लेकर। हम सबको मालूम है पिछले 2 दिनों से वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत एक मुद्दा काफी हाईलाइट हो रहा है। आपको यह बता दूं, वो मुद्दा जो जिस मुद्दे पे मैं लड़ता आ रहा हूं अब तक, मैं उसी से जुड़ा हुआ है। राज्य भर में, सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका में ही नहीं, राज्य भर में परसों के दिन एक फोटो वायरल हुआ। उस फोटो को लेकर काफी चर्चाएं हैं। दरअसल फोटो ऐसा, वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत नाला सुपारा में आचोले में विनायक का जो अस्पताल है, उस अस्पताल को हाल ही में राज्यपाल महोदय के हाथों अवार्ड दिया गया है। किसी को अवार्ड मिले तो उसकी चर्चाएं होती है, लेकिन चर्चा होती है तब कोई इसका बखान करता है, कोई इसको उसकी बढ़ाई करता है। यहां मामला ऐसा नहीं है, यहां लोग उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये अवार्ड कैसे मिला। तो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है। मैं कुछ कहूं इसके पहले, आपको ये सभी को मालूम है ही, और एक बार फिर से रिमाइंडर करा देता हूं कि 12 अप्रैल की घटना शायद वसई विरार महानगर पालिका के लिए वो दिन सबसे खराब दिन रहा होगा, क्योंकि वसई विरार महानगर पालिका की देश भर में बदनामी उस दिन हुई थी। बड़े बड़े मीडिया चैनल के अंदर वसई विरार महानगर पालिका का नाम बड़े शब्दों में आया था, और यही विनायक अस्पताल जिसको हाल ही में अवार्ड मिला है, उसमें 7 पेशेंट ऑक्सीजन की कमी के हिसाब से मर गए। यही बात, यही मुद्दा अब इस अवार्ड के ऊपर सवाल लिए निशान लगा रहा है। यहां के कई चैनल, कई सामाजिक लोग, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सबने इस अवार्ड के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस विनायक अस्पताल में जब घटना हुई थी उसका संज्ञान लिया था, और उनके राष्ट्रीय नेता किरीट सोमैया तक वसई आए थे, वसई का दौरा उन्होंने किया, और फिर उसके बाद में किरीट सोमैया ने वो मामला मानवाधिकार आयोग में लेके गए। इसके लिए भाजपा इस मामले को ज्यादा तूल दे रही है ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन सही माने में भाजपा तूल नहीं देके एक आम साधारण सा सवाल है वो उठा रही है। जब इतना बड़ा मामला एक अस्पताल के ऊपर होता है और उसकी इंक्वायरी जारी है तो क्यों उसको अवार्ड दिया गया? अब मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि अवार्ड फंक्शन किसका था, क्योंकि अवार्ड फंक्शन चाहे प्राइवेट संस्था का हो, किसी का भी हो सकता है, लेकिन अवार्ड फंक्शन हुआ राजभवन में। अवार्ड दिया गया माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के हाथों से, जहां पर खुद आरोग्य मंत्री भी मौजूद है उनके सामने, तब सवाल बड़ा हो जाता है। और जब इतना हाईलाइट सब हो चुका था मुद्दा, तो इसी मुद्दे पर भाजपा के वसई विरार जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट ने प्रेस नोट जारी किए, उसके बाद हमने मनोज बारोट से बातचीत की जो आप आगे भी वीडियो में देखेंगे।
देखिए मनोज बारोट की वो बातचीत। मनोज सर, पिछले 2 दिनों से आप सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, क्या विषय वस्तु होता है? विषय यह है कि हमारे नालासोपारा के विनायक हॉस्पिटल के डॉक्टर रंजीत उपाध्याय को महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी और राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको सम्मानित किया कि एक श्रेष्ठ हॉस्पिटल पालघर के अंदर है और उत्कृष्ट सेवा दे रहे हैं, इस तरह का उन्होंने उनको पारितोष किया, उन्होंने सम्मान किया। ये देख के मुझे शौक लगा, इसीलिए मैंने आज एक पत्र राज्यपाल महोदय को और आरोग्य मंत्री को लिखा है कि किसी अस्पताल को कोई सम्मान मिलता है तो उसमें शौक लगने जैसी क्या बात? नहीं नहीं, सम्मान मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने कोरोना काल में या किसी भी महामारी में अगर अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली उनको उनको सम्मान देना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन विनायक अस्पताल वो है जहाँ पे 12 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये वही विनायक हॉस्पिटल है जहाँ 44 मरीजों से करीबन 40 लाख रुपया वो व्यक्ति ने लूटा है। यदि ऐसे व्यक्ति को अगर समझो सम्मानित किया जाएगा तो देश की जनता क्या सोचेगी? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये जैसे कि एक नालासोपारा के अंदर एक भागवत सप्ताह का कार्यक्रम था, उस भागवत सप्ताह के अंदर नामी लोगों को वहाँ पे इनवाइट किया गया था। उस टाइम पे जब मैं वहाँ पे था तो हमारे यहाँ के तत्कालीन SP वहाँ पे आए थे। जब वो आए तो स्टेज पर नहीं आए, फिर स्टेज से उतरने के बाद मैंने उनको पूछा कि सर आपको आमंत्रित किया था, आप यहाँ पे आए, स्टेज पर क्यों नहीं आए? तो उन्होंने मुझे एक बताया कि उस स्टेज पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर कम से कम 7 से 8 गुना दाखिल है, अगर मैं इस स्टेज को साझा करूंगा तो लोगों को कानून के प्रति जो सम्मान है वो नहीं रहेगा। तो एक SP लेवल का व्यक्ति जब इस तरह से सोचता है, और ये जो कार्यक्रम भले ही दैनिक नवभारत ने आयोजित किया था लेकिन वहाँ पे एक सरकार खुद वहाँ मौजूद है, जहाँ पे अपने आरोग्य मंत्री राजेश टोपे खुद वहाँ मौजूद है, और उन्होंने उनके हाथ में अगर जो जब सम्मान पत्र दे रहे हैं तो उनको ये नहीं पता था कि विनायक हॉस्पिटल में 12 अप्रैल को क्या घटना घटी थी, वो जिसकी कमेटी गठित की गई है, उसकी जांच कमेटी गठित की गई है। मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे राज्यपाल महोदय ने जब इस सम्मान करने के पहले जो आयोजित कार्यक्रम जिन्होंने आयोजन किया था उनसे नामों की सूची मंगाई होगी, शायद हो सकता है उन्होंने उनका इतिहास भी मंगाया होगा, लेकिन संबंधित विभाग ने कहीं उनको गुमराह किया होगा। इसीलिए मैंने आज पत्र के माध्यम से ये मांग की है कि ये जो भी आयोजक थे उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि बाबा ये जो आपने गलत व्यक्ति को हमारे हाथों से आपने सम्मानित करवाया तो पुरस्कार हमें वापस दिया जाए, और जो संबंधित अधिकारी ने अगर आपको गुमराह किया तो उसके ऊपर भी कायदेशीर कार्रवाई की जाए। आपका आक्षेप किसके ऊपर है? एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सरकार के ऊपर है सिर्फ विरोध जताने के लिए, या महानगर पालिका लेवल पर जो वास्तविकता है तो किसके ऊपर? नहीं, मेरा जो आक्षेप जो है, मैं आक्षेप मेरा किसी के ऊपर, मेरा आक्षेप यही है कि जो व्यक्ति जो गुनहगार है, जिसके ऊपर जांच चल रही है, जिसने लोगों को लूटा है, जो ऑडिट के अंदर जो महापालिका ने क्लियर कट उसमें लिखा गया कि 40 लाख रुपया आपने लोगों का लूटा है और करीबन उसने कुछ 35 लाख कुछ दिया और 5 लाख अभी तक लोगों का देना बाकी है, और ऐसे व्यक्ति को आप सम्मानित कर रहे हो। मेरा आक्षेप किसी को, जो सम्मान जिसको दिया गया है वो सम्मान गलत व्यक्ति के हाथ में दिया, उस चीज का मेरा आक्षेप है। वसईवीरा महानगर पालिका को आप इस पूरे मामले में कहां तक देखते हैं? अरे भाई, मत्स्य विहार महापालिका के अगर बारे में पूछा जाए तो खुल्लम खुल्ली यहाँ पे लूट हुई है। आप सबने देखा कि ज्यादातर निजी अस्पतालों ने लोगों को लूटा है, महापालिका ने क्या किया? जब उन्होंने सादा उनका एक सिस्टम है कि एक सर्कुलर निकालते हैं और अपनी फाइल में अपनी सेफ्टी के लिए वो सिर्फ सर्कुलर निकाला जाता है, बाकी जाहिर जो जिस तरह से जाहिरात उसकी करनी चाहिए उस तरह की जाहिरात नहीं की गई है, उसी की यही नतीजा है कि आज वसई विरार के जो निजी अस्पतालों की ज़्यादातर निजी अस्पतालों ने घोर गरीबों को लूटा। आज ऐसे अनेक परिवार है कि जो अपने इलाज के दरमियान सूद पे पैसा लाया, ब्याज पे पैसा लाया, आज भी लोग ब्याज चुका रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका में 12 तारीख की अब घटना का आपने जिक्र किया, उस घटना को लेकर आप खुद मौजूद थे, ये मामला मानवाधिकार आयोग में गया था, तो वहाँ अभी इसकी क्या परिस्थिति? वहाँ मानवाधिकार से वो जो हमारे किरीट सोमिया साहब माजी सांसद और हमारे जिला अध्यक्ष राजन नायक ने रिट पिटीशन फाइल किया था मानवाधिकार आयोग को, उसको ऑलरेडी वहाँ एक्सेप्ट किया गया है और उनको महापालिका को नोटिस तक इश्यू की गई है कि भाई उनको कुछ 7 हफ्ते का कुछ टाइम दिया गया है, कुछ उसमें उनको रिपोर्ट सादर करने के लिए नोटिस भेजा गया है। इस पे आगे आपकी क्या पूरी प्रतिक्रिया रहेगी और क्या इस पे आप पात्रवा करने वाले? मेरा जो है काम जो था, मैंने राज्यपाल महोदय को कार्यालय को मैंने लेटर मेल कर दिया है, आरोग्य मंत्री को भी मेल कर दिया, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आने वाले 2-4 दिन में राज्यपाल महोदय को जाके मिलने वाला हूँ विषय में, और मेरा काम है कि राज्यपाल महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी हालत में विनायका हॉस्पिटल को दिया हुआ सम्मान पत्र वापस लिया जाए।
और क्या आप इस तरह से भी निवेदन करोगे कि भविष्य में इस तरह से कोई कार्यक्रम न हो कि जिसमें ऐसी चूक हो? नहीं, वो ठीक है, वो चूक मतलब मैं बोलता हूँ ना कि जब राज्यपाल या कोई मंत्री जब करता है तो कहीं ना कहीं वो उनके इतिहास लेके ही करते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं संबंधित विभाग से कुछ गलती हुई होगी, ये गलती नहीं हुई उसका वो देखेंगे, वो अभी राज्यपाल है, जब उनके पास इतनी बड़ी शिकायत गई तो देखेंगे ही ना, डेफिनेटली देखेंगे। उम्मीद है आपने मनोज बारोट की वो बातचीत देख ली, कुछ चीजों पे आपका ध्यान और जरूर मैं खींचना चाहूंगा। फिर से एक बार आपको सभी को मालूम है, जो दर्शक जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, मेरे यूट्यूब चैनल से, मेरे फेसबुक आईडी से, जो लोग जुड़े हुए पेज से, उनको मालूम है कि मैं पिछले लंबे समय से वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान कोविड बिलों में जो लूट हुई उसके मुद्दे में उठाते चले आ रहा हूं। तो इस चीजों में मैंने कई वीडियो पहले बना चुका हूं, सबको सब मालूम है, लेकिन मेरे एक वीडियो में एक पेशेंट का भाई वो भी आया था, उसने अपना बयान दिया था। वह मामला विनायका अस्पताल से जुड़ा हुआ ही था। वह जो पेशेंट है विनायका अस्पताल में भर्ती था और उसकी डेथ हुई थी पिछले साल जुलाई अगस्त का भाते, एक साल से अधिक समय हुए। तब उसका करीब 3.5 से 4 लाख का कुल बिल बना और उस 3.5 से 4 लाख के बिल के बाद महानगर पालिका जैसे ऑडिट करती है तो ऑडिट करने के दौरान 1,04,000 से ज्यादा का पैसा उसका रिफंड बना, लेकिन इसी विनायका अस्पताल ने वो पैसा रिफंड दिया नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये रिफंड दिया। यानी कहने का मतलब ये विनायका अस्पताल जो है किस हद तक सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसका जीता जागता नमूना हमारे पास सबूत के साथ है। तो आप लोग तय कीजिए कि हम किस समय में रह रहे हैं। जो लोग आम जनता की लूट मार कर रहे हैं उनको आज मैं बोलूंगा कि मेरा सिर्फ विनायका अस्पताल को ही लेकर यह मसला नहीं है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसमें कई अस्पताल है, वसई का कार्डिनल हॉस्पिटल है, उसने भी एक पत्र दिया है, वो पत्र मेरे पास अभी नहीं आया, लेकिन मुझे जानकारी में आया कि महानगर पालिका को एक पत्र लिखा है कि इस साल हमको 5 करोड़ का लॉस हो गया है, इसके लिए हम 6 महीना बाद में लोगों को रिफंड देंगे। मतलब क्या हो? ये अस्पताल जो है बेवकूफी भरा जवाब देके पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, महानगर पालिका को गुमराह कर रहे हैं, और महानगर पालिका जो है वो कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। इस मामले की शिकायत वरिष्ठों तक सबको की जा चुकी है, आरोग्य मंत्री, राज्यपाल महोदय, और यहां तक कि लोकायुक्त में भी कंप्लेन गई है, मानवाधिकार में भी शिकायत गई है, उसके बाद भी महानगर पालिका इन अस्पतालों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ एक अस्पताल के ऊपर कार्रवाई हुई थी विजय वल्लभ में, जहां पर आग लगने से मौत हुई थी, उसके ऊपर FIR हुई, उसके अलावा किसी अस्पताल के ऊपर अब तक महानगर पालिका ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। यानी कि वसई विरार महानगर पालिका प्रशासन जो है वो बिल्कुल नकारा हो चुका है। जो प्रशासन आम आदमी के भले के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो प्रशासन किस काम का? आम आदमी ने कहां कहां से पैसे का बंदोबस्त करते हुए अपने रिश्तेदारों का बिल भरा था, उनका वो पैसा रिफंड महानगर पालिका अब तक नहीं करवा पाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, जानकारी आगे तक पहुंचाइए, ताकि महानगर पालिका की आंख खुले और महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त जो बैठे हुए हैं, उनको इस चीज को समझ के लेना चाहिए। आयुक्त ने एक भी बार अभी तक मिलने का समय तक नहीं दिया है। किस काम के ऐसे आयुक्त जो आम जनता से मिलने के लिए तैयार नहीं हो? उनको अपनी कुर्सी नहीं छोड़ देनी चाहिए? जब उनके पास कोई सब्जेक्ट लेके जाता है तो बोलते विभागीय हेड है उनसे मिलो, अरे आपको क्यों बिठाया उधर, रिजाइन दे दो, छोड़ दो, चले जाओ। दोस्तों, ये मेरा आक्रोश नहीं है, ये मेरी भावना है। मैं यूसुफ अली, मैं लगातार इस मुद्दे को उठाते आया हूं, और जहां तक
एक एक पैसा एक एक आदमी का रिफंड नहीं होगा, मैं इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूं, फिर चाहे जितने भी अस्पताल हो, जो करना हो महानगर पालिका करे। आज से एक बार यही विनती करता हूं कि इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए, और भी वसई विरार महानगर पालिका आरोग्य विभाग के और भी कई मुद्दे हैं, मैं आपके सामने लाऊंगा। मेरे पास सबूत के साथ है, मैं सबूत के साथ सब लाऊंगा आगे। लेकिन आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।